ये देखो, ये पुराने वाले, ये नए वाले, ये तो मतलब घिस घिस के इसकी जो बीच की लाइनें होती है ना वो भी चली गई है बढ़िया। पूरा मतलब कि घिस के सप्पा चट हो गया ये पूरा। पुराने ब्रेक पैड है जो आगे का हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो बाइक खुल गई यहाँ पे, आगे के ब्रेक पैड लग रहे हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वैसे तो मुझे वीडियो बनाने का कुछ मतलब कि प्लान नहीं था, लेकिन जितने भी यामा ओनर्स हैं उन सबको पता होगा कि यामा V3 के जो कंपनी के ब्रेक पैड आते हैं ना वो कितने के आते हैं। तो शोरूम वालों ने बोला कि आगे के 750 और पीछे के 1150, तो टोटल मिला के 1800 रुपये के फिर ब्रेक पैड है। लेकिन हमारे ये जो भाई है ना, ये खड़े, ये इनकी पहचान बहुत है अहमदाबाद में, बहुत दूर दूर तक इनकी पहचान है, सामान मिल जाएगा सस्ते में, बहुत दूर दूर तक इनकी पहचान है। तो इनकी पहचान की वजह से हमको मिले एक ब्रेक पैड दोनों साइड के, ये नए हैं, ये बैक वाले हैं, ये नए ब्रेक पैड है पीछे के, आगे के लग रहे हैं, वैसे तो मैंने दिखा दिया है क्लिप में, आगे आप देख लोगे। तो ये पीछे के ब्रेक पैड है, पीछे भी लगाएंगे थोड़ी देर में। तो ये प्राइस में जो मुझे मिले ना वो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सस्ते मुझे मिलेंगे। तो हमने सोचा कि भाई ये तो वीडियो बनाने लायक चीज़ है। तो क्वालिटी के वाइज तो हम जब बाइक चलाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि बाइक क्वालिटी वाइज कुछ डिफरेंस आया है, चलते कैसे है, कैसी ब्रेकिंग है, वो थोड़ी देर में लगाने के बाद चलाएंगे ना तब पता चलेगा। लेकिन प्राइस के वाइज तो भाई कुछ बोल नहीं सकते, मतलब खत्म हो गई बात। प्राइस हम बताएंगे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो वीडियो शुरू है। अभी प्राइस बता देंगे तो ये साले हरामी लोग सब चले जाएंगे वीडियो छोड़ के, लिंक को देंगे फिर नीचे। आधे से भी आधी प्राइस में लिया है मैंने, कितने में लिया है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक पैड कैलिपर वो सब अभी चल रही है चीज़ को। इस बात में हम आराम कर लेते हो, ब्रेक पैड 1800 के, अगर बजट की गाड़ियाँ लगते हो 150 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये में आगे पीछे के ब्रेक पैड आ जाते हैं। मैंने इसको कॉल किया था कि भाई मेरी बाइक में बोला कि 1150 के ब्रेक पैड है, ये बंदा बोल रहा है कि हमारी बजाज में तो सिर्फ 150 रुपये के ब्रेक पैड आते हैं दोनों साइड के, मतलब कि 300 रुपये में तो आगे पीछे दोनों खत्म। मैंने सोचा कोई नहीं, चलो अभी हाथी पाल लिया है तो अभी उसको रखना तो पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले तो यहाँ पे ब्रेक पैड भी लग गए, निकल गया, लग भी गए, तो आगे का तो उतना मुश्किल नहीं है वैसे। गैरेज वाले अपने आगे ये मेहुल भाई अपने गैरेज वाले, आगे के तो उतना मुश्किल नहीं है, पीछे का वो बोल रहे थे कि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो पीछे के देखते हैं अभी क्या टाइम लगता है, क्या होता है। चलो भैया जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी करो, टाइम नहीं हमारे पास। भाई मैंने वीडियो शुरू किया, शुरू करते करते ये कैलिपर निकल गया था, और एक इंट्रो बना के आते आते कैलिपर ब्रेक पैड लग के वापस डल भी गया। ये कौन से सुपरमैन को ले आए थे, रेसर आदमी है रे अपने सब, तो आगे का तो हो गया, अभी पीछे का काम होगा। तो ये कैलिपर कैसे निकालते, कैसे चेंज करते, वो तो यार हज़ारों वीडियो पड़े यूट्यूब पर, आप कोई भी जाके देख लो। लेकिन ये ब्रेक पैड कौन से वाले हैं वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगा। तो ये पीछे के देखो, दिख रही लाइन आपको, थोड़ी गर्म है, देखो ये, देखो ये पूरे मतलब कि घिस ही गए, पूरे घिस गए। तो पीछे का जो है ना कैलिपर निकालने के लिए पूरा मतलब कि सेक्शन निकालना पड़ता है, क्योंकि वो आगे की तरह ऐसे नहीं डायरेक्ट दो स्क्रू निकाले और निकल जाता है। तो पीछे में काफ़ी मगज मारी है, पल्सर में ऐसा नहीं है, पल्सर में सिर्फ लो कैलिपर निकालो डाल दो, हट, तो पल्सर पल्सर मत कर तू ज़्यादा वे, नहीं आराम भाई लेने के लिए डायलॉग नहीं हो सकता भाई। एक डायलॉग मेहुल को बहुत अच्छा आता है बजाज वालों के लिए, लेकिन वो बोलेगा नहीं वीडियो में, बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर उसने वो डायलॉग बोल दिया ना तो भाई पक्का बजाज वाले मुझे कॉल करके बोलेंगे कि भाई ये वीडियो डिलीट कर। ये कैलिपर बाहर,
तो यहाँ से अभी ब्रेक पैड चेंज हो के फिर ये वापस से लग जाएगा। तो ज़्यादा उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यार इसमें, घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ट्राई मत करो तो अच्छा है। हाँ लेकिन ट्राई मत करो तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हो उसके पास ही करवाओ। ये देखो ये पुराने वाले ये नए वाले, ये तो मतलब घिस घिस के इसकी जो बीच की लाइनें होती है ना वो भी चली गई है भैया। पूरा मतलब कि घिस के सप्पा चट हो गया है ये पूरा, पूरा फ्लैट है। हाँ हमने बहुत घिस घिस डाला नहीं, साइड से देखो। आइए देखो इसमें ये वाली जो है ये तो पूरा घिस, वैसे अगर सही से चलाओ तो ये 8-9 हज़ार किलोमीटर चलता है, नहीं चलता आराम से चलता है, पर अपने जैसे लेकिन हमने हाँ लेकिन हम जैसे चलाते हैं ना उस वजह से ये ब्रेक पैड सिर्फ 5.5-6 हज़ार किलोमीटर में ख़त्म हो गया ये वाला। क्या भाई इसको तो देख के मुझे अभी तरस आ रहा है इस पर। वैसे अच्छा हुआ हमने घर पे नहीं किया था पंडे, क्योंकि हम लोग तो इसकी बजाज की तरह सोच रहे थे कि ये बंदा बोल रहा है यहाँ से खींच लो और डाल दो ऐसे ही हो जाएगा, हमको लगा ये कर देगा लेकिन बजाज की तो लेकिन अब पता चला कि ये तो अपनी बजाज के बारे में कह रहा था, हमारी आरोन भाई में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया तो यहाँ पे नए वाले ब्रेक पैड लग चुके हैं। ओके तो ब्रेक पैड लग चुके हैं, ये पुराने वाले हैं, देख लो इसकी हालत पूरे घिस के मतलब ख़त्म हो गए हैं। सोच रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा एक राउंड लगाया हूँ कुछ 40-50 किलोमीटर का, तो क्या ब्रेक पैड भी थोड़े वो राउस हो जाएंगे। तो और पंड्या जो है वो एक काम ख़त्म करने जा रहा है, तो वो भी 1-1.5 घंटे में हमसे हमें ज्वाइन करेगा, फिर वो SGI पे, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे और फिर घर पे निकलेंगे। सैंड पेपर है क्या? सैंड पेपर, कांच पेपर। हाँ कांच पेपर, तो पंड्या वो उससे डिस्क को घिस रहा है, ये ऐसा बोला है कि उससे ब्रेकिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी देखते हैं इसको सारे मतलब इसकी जो हरकत है वो करने देते हैं और फिर हम चलाएंगे तो देखेंगे क्या चीज़ है आ रहा है। यहाँ सामने से इसलिए हेलमेट नहीं पहना है, अवॉइड इट, तभी देख रहे हैं। पहले तो एक बात बता दूं कि ये अभी थोड़ा मतलब पहले यहाँ तक आती थी ब्रेक, अभी यहाँ पे ये इसकी ब्रेक लग गई है। ओके डन, सिंगल टैप दोनों ब्रेक अभी सिंगल टैप में हो गई है, एक उंगली की सिर्फ ज़रूरत रहती। ओके अभी एक्सपीरियंस अभी नए नए हैं तो थोड़ी मतलब ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी पुराने वाले में थी, थोड़ी वो घिसने के बाद हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको बोला, पर वो लेके अभी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ 60 किलोमीटर की एक चक्कर लगाने, तो हाँ। हो जाएगा वो राउस। पर मेरे को ये बात बता, कंपनी वाले से प्राइस के कंपेरिजन में ब्रेक कितनी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छी है। ओके ब्रेक अच्छी है, लेकिन अभी देखते हैं थोड़ी जो राइड पे निकलेंगे तब पता चलेगा कि कैसा है इम्प्रूवमेंट। हाँ वो मैं थोड़ी देर बाद आपको वीडियो में बताऊंगा। तो मैं अभी डायरेक्ट आपको एक छोटे सा चक्कर लगा के ही मिलता हूँ, क्योंकि हम राइड मतलब मोटो व्लॉगिंग कर नहीं पाता हूँ क्योंकि फ़ोन नहीं है वो वाला जिससे मैं करता था। तो हम लोग GoPro का कुछ प्लान कर रहे हैं, क्या बोलते हैं मेहुल? GoPro आ जाएगा बहुत जल्दी अभी। हाँ वैसे मेहुल के हेलमेट में है सेटअप पूरा फ़ोन लगाने का और मोटो व्लॉगिंग करने का, लेकिन इसके हेलमेट में एक प्रॉब्लम है कि माइक नहीं है तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, वो भी जल्दी हो जाएगा। वो भी अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है, ये देख लो हमने काम भी नहीं किया फिर भी हमारे हाथ कैसे हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी डायरेक्ट मैं आपको मिलता हूँ 2 घंटे बाद मिलता हूँ, चलो बाबा। ओके तो देख लो 87 किलोमीटर टोटल राइड कंप्लीट करके जस्ट आया, 3 पॉइंट लेके निकला था, अभी ब्लिंकर पे आ गया है पेट्रोल, तो टोटल मैंने 87 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर ली। तो बोलूँगा कि यार आफ्टर मार्केट के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि बहुत ही बढ़िया, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि स्टॉक वाले जो थे ना उससे भी ज़्यादा अच्छी मुझे इसकी ब्रेकिंग लगी। अभी देखना है ऐसे मतलब कुत्ता ही रहता है यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, इसको और कुछ नहीं है, ब्रेकिंग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी देखना है कि ड्यूरेशन इसका कितना रहता है, क्योंकि स्टॉक का जो था वो मैंने कुछ 7,000-7,500 किलोमीटर के अराउंड मेरे ख़त्म हुए थे, देखते हैं अभी ये कितना टाइम लेता है, क्योंकि ब्रेकिंग के हिसाब से तो परफेक्ट है, ड्यूरेशन के हिसाब से देखते हैं कि कैसा रहता है बाइक। बजा दो तालियां, बजा दो छपरी लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी ऐसे लोग भी होते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो अभी बात करते हैं,
कौन? आर्मन भाई वाले छपरी बजाज वाले नहीं थे, आरुण भाई वाले थे, V4 वाले थे, V3 वाले नहीं थे। बिल्ली V3 ने मारी है, बिल्ली ही V3 वाले ने मारी है, किसी ने नहीं मारी। अरे होता है यार, सब कुछ होता है। आपके पास कौन सी है? न्यूक 250 है। KTM बजाज सबसे ज्यादा छपरी KTM में ही है। तो ये तो जस्ट मस्ती मजाक है भाई, सभी बाइक बहुत अच्छी होती है। तो अभी बात करते हैं प्राइजिंग की, क्योंकि जब से वीडियो स्टार्ट किया है तब से हम बस ब्रेक पैड ही किए जा रहे हैं, प्राइस नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। वो इसलिए क्योंकि आप लोग फिर प्राइस होंगे ना वीडियो छोड़ के चले जाते हो। वहाँ के जो ओरिजिनल होते हैं, जो मैंने वहाँ के सर्विस सेंटर पे पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि मुझे पीछे के ब्रेक पैड पड़ेंगे 1150 के और आगे 750, मतलब टोटल राउंड अबाउट 1800 के अराउंड मुझे पड़ेंगे। और उसमें शायद लेबर चार्ज नहीं था, तो 2000 के अराउंड पूरा मतलब कि ब्रेक पैड चेंज करने हो जाएगा। और मुझे ये वाले जो ब्रेक पैड मैंने आफ्टर मार्केट लिए, वो मुझे पड़े हैं 450, सिर्फ 450 के। तो आगे पीछे के 450, दोनों मिला के 450 के, एक नहीं दोनों मिला के 450। मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को प्राइस मतलब कि नहीं वो समझ पाएंगे, क्योंकि मैं भी पहली बार जब मैंने प्राइस सुनी तो मुझे भी एक बार के लिए ऐसा हो गया था 450। लेकिन इसको मैंने फिर फोटो भेजा, इसने बोला कोई नहीं ले ले, तेरे वाले ही हैं, बहुत अच्छे हैं, एक बार लगा के देख लेते यार, 450 इतनी बड़ी कोई अमाउंट है नहीं, अगर अच्छा नहीं लगा तो थोड़े दिन चला के फिर चेंज कर देंगे, लेकिन चलाना ज़रूरी है, उसके बाद ही पता चलेगा कि ब्रेक पैड कैसे हैं। तो वो तो अभी धीरे धीरे टाइम के हिसाब से पता चलेगा, क्योंकि ब्रेकिंग के हिसाब से तो आज पता चल गया है, ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया आ रही है मुझे तो। स्टॉक के हिसाब से भी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी इसकी ब्रेकिंग। ड्यूरेशन की बात करें तो वो मैं आपको आगे फ्यूचर में कोई वीडियो में बता दूंगा कि कितना चले है, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं चेंज करूंगा तभी। अगर आप लोग अहमदाबाद से हो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। कौन सी दुकान थी पंडिया? वर्धमान है, वर्धमान ऑटो पार्ट्स करके है, जोधपुर चार रस्ता, जो इस्कॉन इम्पोरियो है ना, जो वो उसके एग्जैक्ट सामने ही है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। गूगल में भी मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा इसको, वो ड्रॉप कर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग अहमदाबाद से हो तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। अगर आउट ऑफ अहमदाबाद से हो तो फिर आप लोग अपने अपने मार्केट में चेक कर लो, आपको भी वहाँ से मिल जाएंगे, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा लेकिन मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, एक बहुत ही अच्छे वीडियो में। आई नो बहुत टाइम से वीडियो मैंने नहीं डाला है, कम से कम 1 मंथ होने को आया वीडियो को, लेकिन अभी कॉलेज ख़त्म हुई है, जॉब स्टार्ट की है, क्योंकि यार पैसे चाहिए पैसे, यूट्यूब तो हमें कुछ देता नहीं है, हमको पैसे चाहिए पैसे, क्योंकि यार यूट्यूब इतना देता नहीं है हमको, जिससे हम मतलब कि प्रॉपर यूट्यूब पे कंटिन्यू कर सके। वो एक दिन आएगा शायद से कि प्रॉपर यूट्यूब से हम लोग कंटिन्यू करें, आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहा तो एक दिन वो भी जल्द आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नौकरी करनी पड़ती है तो उसी के हिसाब से टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन सब कुछ सेट करेंगे धीरे धीरे। इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ, आओ जो टाटा, बाय बाय।